क्वेश्चन नंबर थ्री, लोन टू कंपनी। तो गाइस, अगर हम किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो उसके लिए पहले क्या चेकिंग करेंगे? और गाइस, मैं ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये 3-4 चैप्टर्स में आएगा। मैं बताता हूँ आपको, सॉरी, कौन कौन से चैप्टर्स में आएगा मैं अभी बताता हूँ आपको। ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा बैंकिंग में, ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एनबीएफसी में। और अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, इन तीनों चैप्टर में आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम ये नहीं कर सकते। अभी मैंने करने की सोची थी कि मैं एक ही क्वेश्चन को बनाऊं और ये तीनों चैप्टर में काम हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता गाइस। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर डिफरेंसेस हैं। काम करने का तरीका हर जगह पर अलग है। जब बैंकिंग कंपनी में हम लोन चेक करने जाते हैं कि किसी एडवांस हमारे को दिया है, तो वहाँ पर कुछ अलग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कुछ अलग हैं। मानता हूँ कि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहला हम ये कवर कर रहे हैं अपने चैप्टर वाला, ये हम आगे कवर करेंगे बैंकिंग और एनबीएफसी में। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस फॉर विच द लोन इज ग्रांटेड एंड एंश्योर दैट द बोरोअर यूजेज इट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया गाइस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट सबमिटेड बाय बोरोर, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट सबमिटेड बाय बोरोअर पर्टिकुलरली एजम्पशंस मेड देयर इन विद रिगार्ड टू। एजम्पशन कौन कौन सी हमने एजम्पशन लगाया? एजम्पशन विद रिगार्ड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द अमाउंट अवेलेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। मोर इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू एक्सपेक्टेड इनकम, मोर इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू एक्सपेक्टेड इनकम और लॉस ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिटेड विथ बैंक। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को यहाँ कवर कर देते हैं। स्टैंडिंग एंड
रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या था, स्टैंडिंग एंड रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लोन टू कंपनी वेदर ऑथराइज्ड बाय MOA और AOA। पॉइंट नंबर फिफ्थ, हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड इट्स परफॉर्मेंस। हिस्ट्री गाइस, हर किसी क्वेश्चन में हिस्ट्री वाला पॉइंट तो आप एक डाल ही देना आँख बंद करके। एंड द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कंपनी, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। तो किसी कंपनी को लोन देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे को चेक करनी पड़ेंगी कि पर्पज़ क्या है और वो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। जिन्होंने बैंक को ऑडिट करी है उनको अच्छे से पता होगा कि आज जैसे हमें किसी पर कोई कंपनी लोन लेने जाती है और वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मांगती है तो बैंक चेक करता है कि उस पर्पज़ के लिए देना उसको रिलायबल है या नहीं है। तो अगर वो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करती तो उसका अकाउंट जो है बंद भी, मतलब जो उसकी फंडिंग है वो बंद भी की जा सकती है। और दूसरे पॉइंट में वो बोलता है कि जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है या जो प्रोजेक्शंस रिपोर्ट दी हैं उनमें एडिक्वेट प्रॉफिट है कि हमें वो रीपे कर सकता है। थर्ड पॉइंट में बोलता है जो डायरेक्टर्स है उनकी मार्केट में वैल्यू है। फोर्थ पॉइंट में बोलता है अगर वो कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हैं उसको ऑथराइज करे होने चाहिए। ये कौन से सेक्शन में होता है गाइस, मेरे को बताएंगे एक बार, लोगों का कौन सा सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा पॉइंट नंबर फोर में। मे बी सेक्शन 186 है ना गाइस, 186 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड इट्स परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ की परफॉर्मेंस क्या है। अगर कोई पॉलिटिकल रिसेंट में मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने कोई ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया कि उनकी फर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने क्या किया, स्लॉटर हाउसेस पे पूरा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। तो गाइज उनका तो वहाँ पे बुरा हाल हो गया, उनकी तो रोजी रोटी वहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेके, मतलब कि कंपनी के ऊपर भी कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ गया आदित्यनाथ जी के आने से। तो गाइज ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो देखते हैं आगे।